तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। अब गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही, अच्छी वाली चल रही। तो शुरू करें फिर आज का कहानी। आइए, रिवीजन होगा स्पेशली यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। 20 डेज रिवीजन चल रहा है, 13-14 क्लास हो चुकी है, लगभग सारे चैप्टर हो भी चुके हैं। जो चैप्टर हमने अभी तक टच नहीं किया उनको भी थोड़ा बहुत टच करके देखते हैं, उनमें क्या है, कुछ अलग क्या है, कुछ खास क्या है। सभी कैंडिडेट टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी को जरूर ज्वाइन करेंगे, जिससे उन्हें नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गरज आपको भी होनी चाहिए। चले आइए, ये बताइए किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योगफल क्या होता है? सब कुछ मिला के रिवीजन करेंगे। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है ये, आज पहला प्रश्न है ये। 18-3 + 9-2 (2) बराबर इसकी जगह पे क्या हो सकता है आंसर? जरा सोचो और बताओ। चल भैया, पहला आंसर है इसका 29। जवाब दीजिए फटाक से। चलो, कमेंट सबका आ रहा है। मिस चिन्नी जी कमेंट आपका आ रहा है, चॉकलेटी गर्ल आपका भी कमेंट आ रहा है, और कौन है, पूजा यादव, राम प्रताप, कुलदीप, पंकज कुमार सिंह, लौकुस आ रहा है, आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। रुखसार, प्रियांशी, सौरभ, धीरज, बिट्टू, ज्योति, बहुत अच्छा। इसका सही जवाब है 27। अगर आपने रेगुलर पढ़ाई किया होगा, रेगुलर क्लास वाला देखा होगा, तो उसमें आपको समझ में आया होगा। देखो, इनको जोड़ोगे 9 × 2 = 18 हो जाएगा। अब ये 18 प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में ब्रेकेट में, ये घटाओगे 15 आएगा। देखो ऐसे, प्लस प्लस जुड़ता है, ये जुड़ेगा 8, 5, 13, 1, 1, 2, 1, 3। आया समझ में? चल भैया आगे बढ़ो। चलो इसी में बता दो। जल्दी सेकंड में अगर बी सही है तो आप लिखोगे 2b, ए सही है तो 2a, ये तरीका है। मैं बोलूंगा नहीं बिना मतलब का ऑल टाइम, ठीक है, ये मत सोचना मैं चिल्लाता रहूंगा। चलो, वक्र रेखा कौन सी है? कर्व लाइन। सबसे पहला जवाब है ज्योति चौहान, सोनम दुबे, बहुत अच्छा। इसका सही जवाब होगा क्या है पता तुम्हें? ये सी वाला। वक्र रेखा वो होती है जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसे कड़िंग 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 वाली। अगला चलो,
ऑप्शन ले लो। जल्दी बताओ, क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम। मोहनी शुक्ला जी गुड मॉर्निंग, धीरज जी गुड मॉर्निंग। फॉर एग्जांपल, दो क्रमागत सम संख्या 52 और 54। आप जरा गेस करो इनके एलसीएम क्या हो सकते हैं। कोई भी दो क्रमागत सम संख्या जो है उनके एलसीएम सदैव क्या होंगे, दो होंगे, दो टू, क्योंकि ये दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी। सम संख्याएं अक्सर दो से डिवाइड होती ही हैं, लगभग सभी, है ना। तो भैया 3 में हो जाएगा बी आंसर, और बी भी नहीं लिखना। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, किन्हीं दो क्रमागत दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, बताओ। प्राइम नंबर, राइटिंग आ रही समझ में, कहा हो भैया, आती है ना। फोर में ए, फोर बी या फोर फी, बताओ फटाक दें। सोनम बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भरसक कोशिश करते हैं, उनका सही हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो कोशिश पूरा करते हैं। और बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल नहीं कोशिश करते हैं, उनको लगता है वेली कटे वे करेंगे हम उठा लेंगे, का मतलब फालतू दिमाग लगाने। करण, आकाश, नुपुर, धीरज, विनीत, अभाज्य संख्याएं जैसे 5, 7। अय्या 11, 13, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, इनमें आपस में कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता जो कॉमन हो सके, ठीक है। तो अगर कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो 1 होगा सिर्फ, बस, क्योंकि 1 सब में होता है। देखो अगर आपको पास होना है ना तो इस बैच का पूरा सेशन देखें, और क्लास को स्किप ना करें, वीडियो डाउनलोड ना करें, कंप्लीट देखें डेली। मैं बता रहा हूं अभी जितना टाइम बचा है इतने में आराम से पास हो जाओगे, अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन दिल दिमाग आत्मा जान सब लगा के पढ़ोगे तब, हवा में नहीं। दीपिका यादव जी गुड मॉर्निंग, सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, चलो आगे बढ़े। दिल, जिगर और क्या, आत्मा, लिखो। किसी क्या पूछ रहा है, HCF बताओ। 2 होगा, 1 होगा,
नीतिका जी बताइए, रोशनी यादव बताइए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए समझिए, यहाँ पे कह रहा है किसी एक सम और एक विषम संख्या का क्या पूछ रहा है HCF। मान लो एक सम संख्या है 6, विषम संख्या है 7, इसका HCF क्या होगा? बोलो फटाफट बोलो। चलो दिल जिगर आत्मा सब कुछ दे दूं तू कहे तो ना। देखो यहां पे कोई भी सम और विषम संख्या ले लो। देखो विषम का मतलब अभाज्य नहीं होता बिल्कुल भी। ये क्या है? सम और विषम संख्याएं हैं। ये क्या है? ये सम और अभाज्य संख्या है। तो अगर हम इसमें लें तो इसका HCF क्या होगा? 3 होगा। 3 क्या है? 3 क्या है? एक विषम संख्या है ना, तो 4 में करेक्ट आंसर D होगा। कुछ लोगों को 1 लग रहा है, अरे गधा 1 नहीं होगा, सम विषम बोल रहा है। देखो ये सम और विषम है, ये भाज्य अभाज्य की बात नहीं बोल रहा है यहाँ पे, ये सम और अभाज्य है। हम सम अभाज्य की बात नहीं कर रहे हैं, सम विषम की बात कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। देखो सम विषम में जैसे मान लो 20 और 25 ले लो, 20 सम संख्या है, 25 विषम संख्या है, 20 सम संख्या, 25 विषम संख्या है, इनका HCF 5 होगा। HCF 5 होगा ना, 5 क्या है? एक विषम संख्या है, ठीक है। तो अगर सम और अभाज्य की बात बोलता, सम और अभाज्य संख्या, तो 1 हो सकता था। लेकिन अगर एक सम व एक विषम संख्या की बात बोल रहा है तो उसका HCF हमेशा विषम होगा। बस मजा ना आती है कहो चाचा लोग, मजा आवे वाला चीजें ना है। मजा आवे के लिए तो जाके अक्षरा सिंह का वीडियो देखो यूट्यूब पे, वहां मजा आती है ना। अभी कल कोनो कमेंट कर रहा था ऐसा, यहाँ तो ऐसा कुछ होबे नहीं करता है। देखो आगे, बताओ HCF क्या होगा? ऑप्शन दे दें क्या इसमें? चलो 17, 20, 18, 15 क्या आएगा? बतावा हो सभी लोग, बतावा 6 नंबर में। जल्दी करें, जल्दबाजी नहीं। चलिए 6 नंबर में आगे बढ़िए, फटाक फटाक दें। 18 एकम 18, 18 एकम 18 ये भी कट जाएगा, और 18 144 ना, ये भी कट जाएगा। छठवां में क्या होगा भैया? ओ सी वाला होगा रज्जा, ऐसे लिखोगे 6C। ये चलना यार, सतवां लिखो। नैना यादव आ रहा समझ में? अभी राम राम हो रहा है, हाँ राम भी सोच रहे होंगे, पता नहीं कौन सा ऐसा इंसान पैदा हो गया हमारी धरती पे कि जो 10 बजे सोए के उठ रहा है, रात भर मार्क जुकरबर्ग की दुकान चला रहा है ना। सही बात है, मार्क जुकरबर्ग को ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनकी दुकान लोग 24 घंटे चलाते हैं। अक्सर लोग तो सुबह 6 बजे खोल देते हैं, रात में 1 बजे तक चलाते हैं। समझ पाया कि नहीं आपने मैंने क्या कहा? नहीं समझ पाया बताऊंगा अभी।
ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये तो बड़का आसान वाला है। दिख नहीं रहा का हो बताओ। अरे वही मेरा मतलब, फेसबुक जो लोग चलाते हैं लगे रहते हैं उसी में, तो उनकी दुकान ही तो है वो। चलो करण गुप्ता, अभिपिन साक क्या रुखसार, सात नंबर में आ गए सभी। सबसे पहला जवाब रुखसार का है, प्रियांशी का, फिर आशुतोष, फिर नीलम यादव। ये तीन ऐसी महान आत्माएं हैं जो पहले नंबर पे हैं। चलो बाकी इसके पीछे बहुत सारी हैं, मीन्स लोग 60% आएगा। मैं दूसरे कलर में लिखो यार, मजा नहीं आ रही है। ये लो 60%। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, 20 तिहाई 60%। डन, बात खत्म। चलो तो ये सब हो गया खत्म। यार ये बदलता नहीं ना, गुस्सा लगती मुझे। क्या करूं मैं क्या करूं। चलो लिखो, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 दिया है, लिखो, पेपर में आया हुआ है, लिखो। कितने लोग कर लोगे? चलो भैया बताओ, लिखो फटाक फटाक दे। जल्दी करें, जल्दबाजी नहीं। कौन से दुनिया में हो जो बारिश हो रही भैया? यहाँ तो गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। गर्मी इतनी तेज है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपनों से जुदा कर रखा है ना, घूम नहीं रहे, मिल नहीं रहे, कोई प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। गर्मी का ये हाल है। कल का क्वेश्चन का आंसर नहीं आया टेलीग्राम पे, आ जाएगा, परसों का आया था ना। आठवां में सबसे पहले सोनम दुबे का आंसर है, नैना यादव, रितिका पाल जी, बढ़िया है, अच्छा है, लेट हो गया, बढ़िया है। मैं देर करती नहीं, देर तो हो जाती है, आपने थोड़ी किया। चलो, संभाव त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, जिसका सही आंसर होगा मुझे लग रहा है, देखो ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं लगा है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है? तो इसमें ये सी वाला सही है, सी वाला सही है ना। देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 3 × भुजा होगी, क्यों? क्योंकि समबाहु बोल रहा है चारों भुज, सभी भुजाएं तीनों बराबर होंगी, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे 3 × भुजा, है ना, वहां से मान निकाल लोगे, हो जाएगा। चलो कर लेना इसको, मैं बताऊंगा भी नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ और चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है, तो यहाँ विस्तार तो बताऊंगा नहीं। लिखो, क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया 2021 में,
50 केजी गेहूं का मूल्य 300 से 50 केजी गेहूं का मूल्य 300 से बढ़कर 375 हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत बताओ। बताओ कितना होगा? शिवा, सौरभ, मिस चिन्नी, शिरोमणि, रोशनी, चलिए ठीक है, क्या कह रहा है? 300 से बढ़कर 375 हो गया, यानी पहले बताओ बढ़ा कितना है। ये मान लो क्या था, मूल्य था, मेन वाला मूल्य था 300, फिर बढ़ के कितना हो गया, नया वाला 375 हो गया, तो 25 रुपया बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है, 25 बढ़ा है ना, तो परसेंटेज में चेंज कर लोगे ना, परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या होगा, वृद्धि बटे पुराना मान गुणे 100, ठीक है। यार कुछ गड़बड़ हो रहा है का, वृद्धि 75 की हुई है, एक मिनट रुको, 300 से बढ़ा है, 75 बढ़ा है, कहाँ दिमाग है मेरा, देखो कभी कभी नहीं काम करता है। ट्वेंटी 25% ना, कितना 25%, चलो लिखो, सोनम जी वेरी गुड, बहुत अच्छा, कमल शर्मा वेरी गुड, सही है, लगभग लोग का सही है, चलो छापो फटाफट, लिखो भैया, ये 9 नंबर होएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न का है, जो अभी लिखा था, ठीक है, और जो लिख रहा हूँ ये भी 2021 डीएलएड में आया था, तो आ सकता है, कोई बुराई नहीं है दोबारा आ जाए तो। ये प्रश्न पत्र है, मान बताओ इसका, चलो कितने लोग कर लोगे 10 वाला,
पूजा यादव, सरिता, ज्योति, रामगोपाल, बहुत अच्छा क्लास हुआ 10 मिनट में आज, मतलब 10 क्वेश्चन 30 मिनट में हुआ है और समझाया भी गया, आंसर भी बताया गया लगभग में। बता भैया, इनको हल करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। 10A अगर ये सही है तो, ये सही है तो 10B, ये सही है तो 10D, ये आंसर बताओगे इस तरह। चलो सबसे पहला कोई जवाब दिया है तो सौरभ यादव, धीरज रुखसार, मोहिनी शिरोमणि, वेरी गुड। चलो सभी ऐसी महान आत्माएं, ऐसे इंसान, ऐसे छात्र जिन्हों डेली पढ़ना है और फ्री पढ़ना है, वो हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास का लिंक और नोटिफिकेशन हम सिर्फ टेलीग्राम पे देते हैं। अगर आपको मेरी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आप पढ़ें या ना पढ़ें मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने ना सीख लिया है दुनिया से बहुत कुछ, समझ रहे हो कि नहीं। अगर किसी को एहसास हो जाता है कि आप उसे कितना चाहते हैं तो उसके भाव आसमान छू जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये एहसास होने ना पाए, कोशिश करना जिंदगी में। तो क्यों, क्योंकि आज क्लास अब ख़त्म हो रही है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह एक ही नाम है, PVR स्टडी। कहीं भी सर्च करेंगे, जहाँ ज्वाइन करना है ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जो भी ऑप्शन जिस प्लेटफॉर्म पर है जरूर कर लें, ठीक है। क्लास का टाइम इस समय सुबह 7 बजे से है, इसकी रिवीजन हमारी कोशिश है रात के 10 बजे करवा देंगे, हो पाएगा तो, ठीक है। DL EDवालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर 20 डेज रिवीजन चल रहा है, 20 दिन में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा मैथ का पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आज की क्लास थोड़ी छोटी है लेकिन ठीक है, बढ़िया है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अपने ग्रुप में, कोचिंग कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और पढ़ पाएँ और फिर हम आपके लिए अच्छा कर पाएँ। ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, मोटिवेशन मिलता है और साथ साथ पैसा भी मिलेगा कुछ। आपके कैमरे के पीछे कम से कम आधा दर्जन लोग काम करते हैं, 5 और 1 6 लोग, कम से कम 7 लोग भी हो जाएं 8 लोग अलग बात, उन लोग को सैलरी देना पड़ता है क्योंकि बिना सैलरी कोई काम नहीं करता है, समझ रहे हो ना। अरे उन लोग के बीवी बच्चे हैं, घर परिवार है, देखना पड़ता है। बीवी बच्चे हमारे नहीं हैं, मैंने शादी वादी इसीलिए नहीं किया ना कि तुम लोग को कम से कम पढ़ा तो सके, लेकिन उन लोग को तो मुझे झेलना पड़ता है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो बात को समझिए और सीरियस रहिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत थैंक यू। चलो, घर वालों से उम्मीदें मुझसे भी होती हैं कुछ ना कुछ करने की, मम्मी अलग लगी रहती हैं जान को हमेशा, कर लो जल्दी, कर लो कर लो कर लो ब्याह कर लो जल्दी, कहते हैं मतलब ज़िंदगी में यही बचा है, मतलब सब हो गया, पता नहीं कहाँ मिलेगी ऐसी भाग्यवती। चलो फिलहाल वैसे मैंने खोज लिया है, तुम लोग को बताऊँगा दिखाऊँगा।